सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ है और तेज धूप निकलने से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। दिन के साथ साथ अब रात में भी गर्मी महसूस होने लगी है, वहीं तापमान भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज हो रहा है। दिल्ली में सोमवार को इस मौसम का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 18 मार्च तक अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इस बीच हवाएं चलने की वजह से स्थिति में कुछ बदलाव होगा और 18 और 19 मार्च को कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। दिल्ली में साल 2021 में अधिकतम तापमान 12 मार्च तक 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। हालांकि 2020 में दिल्ली में मार्च में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं 2020 और 2021 में बारिश हुई थी, लेकिन इस बार मार्च में अभी तक बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में 16 मार्च को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 17 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 46 से 85% रहा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ रहेगा। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और आसमान नोएडा में साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खराब श्रेणी में रहा है और 213 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा का AQI 211 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम का 263। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।